आज हम मटर पनीर बनाएंगे, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। बिना लहसुन और प्याज के मटर पनीर की सब्जी ऐसे बनाओगे तो हर कोई उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मटर पनीर, वो भी बिना लहसुन प्याज के। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम मटर को भूनेंगे। इसके लिए पैन गरम कीजिए, 2 चम्मच तेल डालिए, 1 कप हरे मटर डालिए, हल्का सा चला दीजिए। आंच धीमी रखिए और मटर को ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं और मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें बाउल में निकाल लीजिए। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, तो इसके लिए फिर से पैन गरम करने रखेंगे। 3 से 4 चम्मच तेल डालिए। तेल जब गरम हो जाए तो 1 छोटा चम्मच जीरे डालिए। जीरे जब चटकने लगे तो इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालिए और हल्का सा चला दीजिए। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा ले सकते हैं, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालिए। आंच धीमी रखिए ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को मिक्स कीजिए। अब 4 टमाटर का पेस्ट लेना है और इसे मसालों में डाल दीजिए और अब मसाले को तब तक भूनिए जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। अब जब तक मसाले भुनेंगे तब तक हम ग्रेवी के लिए काजू और खसखस का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए 2 चम्मच खसखस लेना है और इसे 2 से 3 घंटे पानी में भिगो देना है। मैंने खसखस को पहले से पानी में भिगो के रखा है। खसखस से अतिरिक्त पानी निकाल दीजिए, मिक्सिंग जार में ट्रांसफर कीजिए। 10 से 12 काजू डालिए, जरूरत के अनुसार पानी डालिए और इसका बारीक पेस्ट तैयार कीजिए। पेस्ट जब तैयार हो जाए तो उसे एक बाउल में निकाल लीजिए और फिलहाल के लिए इसे एक तरफ रख दीजिए। अब मसाले से तेल अलग हो गया है, मसाला भुन गया है, तो इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालिए, 1 से 1.5 चम्मच दूध की मलाई, काजू और खसखस का पेस्ट डालिए और मिक्स कीजिए। 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालिए। अब मसाले को फिर से तब तक भूनिए जब तक कि ये किनारे से तेल न छोड़ दे। मसालों ने किनारे से तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हरे मटर डाल दीजिए, 250 ग्राम पनीर, पनीर को हमने चौकोर पीस में काट लिया है, पनीर डालिए, 1 कप पानी डालिए, 1 चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कीजिए। ग्रेवी आप अपनी पसंद से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। आंच मीडियम रखिए और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लीजिए। सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे, सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सब्जी को गार्निश कीजिए। बिना लहसुन प्याज की मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है और इतनी सब्जी परिवार के 4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी की अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट anybodycancookbyarchana.com ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी न्यू रेसिपी के साथ।